हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एयरटेल में इन्वेस्टेड हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एयरटेल रिसीव्स रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर 100% FDI इन सब्सिडीज। जी हाँ दोस्तों, इसको 100% FDI सब्सिडी में मिल चुकी है। इसका दोस्तों क्या इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या इसके दोस्तों यहाँ पर गजब के टारगेट दिए हैं। जितने भी एनालिस्ट आप देखेंगे बड़े बड़े यहाँ पर बहुत ही ऊपर के टारगेट दिए हैं। तो पूरी न्यूज़ दोस्तों कवर करने वाला हूँ आपके साथ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ का क्या है। यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। देखिए, द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एडलवाइज ऑल्टरनेटिव रिसर्च कैन रिजल्ट इन इनफ्लोज ऑफ अराउंड 600 to 700 बिलियन डॉलर्स। आप समझ सकते हैं कि इस जो है 100% FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के बाद 600 से 700 मिलियन डॉलर की जो कंपनी में इन्फ्लो आ सकती है, मतलब करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है इन्फ्लो आएगा। तो यहाँ पर गजब की लिक्विडिटी बनेगी दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी में, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में से जो यहाँ पर जो लिमिट है 100% हो चुकी है इनकी सब्सिडरीज में। देखिए, भारतीय एग्जाकॉम, भारतीय टेलीसोनिक, भारतीय टेलीपोर्ट, तो ये जो बेसिकली ये जो सब्सिडरीज हैं ऑपरेट करती हैं इनका DTH बिजनेस, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड अदर सब्सिडरीज, तो यहाँ पर ये ऑपरेट करती हुई नजर आएंगी। तो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर ये फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है वो आ रहा है MSCI एडजस्टमेंट जो इंडेक्स होता है उसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है ये दोस्तों बैलेंस होने वाला है वापस Feb 28, 2021 को। तो यहाँ पर एयरटेल का वेटेज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वेटेज बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं जो पैसिव इनफ्लोज है वो कंपनी में और आएंगे, ना ही सिर्फ FDI के थ्रू बल्कि दोस्तों FPI के थ्रू भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखेंगे आपको। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू भी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र आएगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है एयरटेल के लिए गजब का जो है एक न्यूज़ है, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर होने वाला है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एयरटेल वैसे ही ग्रो कर रहा है, तो आपको मैं यहाँ पर जो है दिखाना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ 3 रीज़न्स कि एयरटेल यहाँ पर क्यों लग रहा है कि एक अच्छा बेट हो सकता है, और 2021 में दोस्तों ये हो सकता है आउट परफॉर्म कर दे सारे जितने भी Nifty 50 के दिग्गज हैं उनको। जी हाँ दोस्तों, 2021 में हो सकता है एयरटेल आपको सबसे ज़्यादा भागता हुआ दिखे। उसके पीछे के रीजन से देखिए, स्ट्रॉन्ग अर्निंग आउटलुक। तो यहाँ पर देखिए, फॉर द जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर द टेलीकॉम ऑपरेटर रिपोर्टेड एन एडिशन ऑफ 13.9 मिलियन यूजर्स। 13.9 मिलियन यूजर्स का एडिशन हुआ है जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर में, और एंड सब्सक्राइबर मूव टू हायर पेइंग प्लान्स हेल्पिंग ड्राइव अप ARPU टू अ 3-ईयर हाई ऑफ 162। तो जो 157 था वो अब बढ़ के 162 हो चुका है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर भी इसने काफ़ी अच्छे यहाँ पर गेन किए हैं। और यहाँ पर देखिए, ट्राई के अकॉर्डिंग भारतीय एयरटेल आउटडिड रिलायंस जियो इन टर्म्स ऑफ यूजर्स इन सेप्टेम्बर 2020। तो सेप्टेम्बर 2020 में दोस्तों भारतीय एयरटेल ने रिलायंस को जो है पीछे छोड़ दिया है यूजर्स काउंट में। और यहाँ पर देखिए, वोडाफोन ने 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर ने जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं वो भारतीय एयरटेल में हुए हैं। तो ये एक रीज़न है स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी का। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर और डिग डाउन करना चाहें तो देखिए, अहेड ऑफ रिलीज ऑफ इट्स Q3 रिजल्ट्स एनालिस्ट एक्सपेक्ट एयरटेल टू रिपोर्ट फर्दर ग्रोथ इन ARPU एंड EBITDA। एंड देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही एक्सपेक्ट इंडियाज EBITDA मार्जिन इज 44.8, डाउन 100 बेसिस पॉइंट ओइंग टू टावर एक्सक्लूजन। अफ्रीका मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू स्टेबल। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है भारतीय एयरटेल को टारगेट मिल रहा है ₹700 पर शेयर। तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाइज उसने जो है इन सब बेसिस पॉइंट्स के जो है इनके बेसिस पे यहाँ पर ₹700 पर शेयर का टारगेट दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी करेंटली आप देखेंगे तो 550 के आसपास शायद ये चल रहा है। और दूसरा रीज़न है दोस्तों इसका इंक्रीज इन FDI लिमिट, जैसा भी हमने डिस्कस किया ये एक न्यूज़ आई है। इसके लिए 100% अब जो है FDI हो चुकी है इनके सब्सिडरीज में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली सेड दैट इट इज ओवरवेट ऑन द स्टॉक विद टारगेट ऑफ 680 पर शेयर, एडिंग दैट अप्रूवल फॉर एनहेंसिंग FPI लिमिट्स फॉर सब्सिडरीज कुड हेल्प रिवर्स द अंडर परफॉर्मेंस। तो आपको पता होगा दोस्तों कई सालों से जो है एयरटेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, लेकिन ये एक ट्रिगर हो सकता है दोस्तों यहाँ से ये कितना भागेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाऊंगा अपने एनालिसिस के थ्रू, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तीसरा पॉइंट है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन।
सीएलएस ने देखिए क्या बोला है कि करंटली इन एक्सपेंसिव बेस्ड ऑन ट्यूजडे क्लोजिंग प्राइस एट 10% डिस्काउंट टू इट्स 5 ईयर एवरेज। तो 5 ईयर एवरेज अगर के बेसिस पे देखें तो अभी भी दोस्तों 10% डिस्काउंट पे अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे अवेलेबल है। अगर ईवी डिवाइडेड बाय एबिटा हम यहाँ पर बात करें तो, और इन्होंने टारगेट दिए हैं 730 रुपये पर शेयर के, तो ज़बरदस्त है दोस्तों यहाँ पर न्यूज़। और देखिए एनालिस्ट टेक और 100% एफडीआई, तो एनालिस्ट का यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको टारगेट दिखाना चाहूँ, मॉर्गन स्टैनली का आप देखिए 680 रुपये, ठीक है, सीएलएसए का आप देखिए 730 रुपये, क्रेडिट स्विस का आप देखिए 700 रुपये। तो यहाँ से कितने ऊपर के टारगेट हैं आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। सारे जो है ज़्यादातर यहाँ पर जो है बुलिश है सारे ब्रोकरेज हाउस, सारे एनालिस्ट भारती एयरटेल पे। और अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए दोस्तों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आपको पता है लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया नाउ, तो यहाँ पर अब जो है दोस्तों इट सीम्स दैट अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पॉजिटिव एंड पे आ रही है, क्योंकि अब जो है इनका एजीआर इश्यूज का भी जो है मामला सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। एक्टिव सब्सक्राइबर देखिए अब जो है इन्होंने डे बाय डे बढ़ रहे हैं, डेटा सब्सक्राइबर जो है ऐड हो रहे हैं खूब सारे, जो अपने प्लान हायर जो है प्लान्स पे शिफ्ट हो रहे हैं कस्टमर्स। और रिलायंस जियो को दोस्तों इसने पिछले 2 क्वार्टर में जो है पीछे छोड़ा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एयरटेल के लिए सारी अच्छी चीज़ें हैं। और आगे का जो फ्यूचर का जो बिजनेस है दोस्तों ये आपको समझना चाहिए टेलीकॉम का हो सकता है, ओनली डुओपॉली है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था डुओपॉली का, आपको पता हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एयरटेल और रिलायंस दोस्तों ये जो एक बिजनेस मॉडल है डुओपॉली है, वोडाफोन आइडिया को हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर जो है ये लूज कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स, और जिस प्रकार के इनके फंडामेंटल्स हैं काफ़ी प्रेशर में आपको देखते हुए नजर आएंगे फ्यूचर में भी। तो अगर करंटली बात करें तो एयरटेल एंड रिलायंस और ये टेलीकॉम का बिजनेस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई सकता है, दिख सकता है। और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र दोस्तों एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में इंक्रीज़ करेगा, जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला है कि ये जो है इसको करीब करीब 250 के ऊपर लेके जाएंगे एवरेज यूज़र पर रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं टारगेट्स हैं। तो अब बात करें टेक्निकल चार्ट पे, तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँ एक बार, तो आप यहाँ पर देखिए 2007 में ये करीब करीब 542 के आसपास था, और आज भी आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो मतलब इतने लंबे टाइम का यहाँ पर जो है इसने कंसोलिडेशन किया, ना ही ऊपर मूव हुआ ना ही नीचे मूव हुआ, एक ट्रेडिंग स्टॉक बन के रह गया था। लेकिन दोस्तों अब ये जो है एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, जिस प्रकार से ये अब इसके लिए ट्रिगर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से एयरटेल कितना ऊपर जा सकता है। और 2021 में दोस्तों डेफिनेटली मुझे लगता है एयरटेल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। अगर निफ्टी 50 की हम बात करें 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। तो अगर देखिए वॉल्यूम देखें आप, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था इतने सालों में, लेकिन अब देखिए 2021 में आप देखिए 2020-21 में क्या गजब का इसमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये वॉल्यूम दोस्तों एक्यूमुलेशन हो रहा है इस शेयर का, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट हो रहा है, बड़े हाथ जो है बिग मनी जो इसमें एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। और जो इसका जो यहाँ पर ब्रेकआउट आप देखेंगे, तो चलिए वापस एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट था ये इस पे, ताकि हम एक शॉर्टर फ्रेम में यहाँ पर देख पाएं इसलिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये एक अभी यहाँ पर फिलहाल ये 4-5% के ऊपर था आज, तो हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में, तो आप देखेंगे ये नीचे आ गया है थोड़ा, करीब करीब 1-1.5% के आसपास ऊपर है। लेकिन ये दोस्तों यहाँ से जो है ब्रेकआउट देने की कगार पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप इसको जो है CMP पे खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है ये यहाँ से डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और मेरे टारगेट दोस्तों मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि करीब करीब ये यहाँ से करीब करीब जो है, अगर मैं आपको यहाँ पर अपने हिसाब से बताना चाहूँ तो मतलब मीडियम टर्म में अगर मैं बात करूँ तो ये करीब करीब आपको जो है 750 के टारगेट दिखा सकता है एक साल के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, 750 टारगेट मेरे हिसाब से यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है डाउट है तो ज़रूर क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो ये था पूरा एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बनाता है, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।